एक मर्द की टाइमिंग कितनी होती है, कितनी टाइमिंग हो तो पार्टनर को सेटिस्फाई किया जा सकता है, ख़ुद को भी सेटिस्फाई किया जा सकता है। अच्छा, हमारे लोगों का एक बहुत बड़ा एक गलत फहमी मैं कह सकता हूँ बन चुकी है कि हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि भाई जिसकी टाइमिंग ज़्यादा है ना, यानी कि ये मर्द है, अगर जिसकी टाइमिंग कम है ये ना मर्द है। और यहाँ पर लोगों को एक बहुत बड़ी गलती मैं बताने लगूँ कि जिसकी टाइमिंग ज़्यादा होती है लेकिन वो भी इस टेंशन में रहता है कि यार मेरी टाइमिंग कम है, ये चीज़ आज की वीडियो में मैं प्रॉपरली बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आपने शुरू से लेकर एंड तक देखना है। फिर सबसे पहली चीज़ जो आपको ये पता होना ज़रूरी है, क्लियर होना ज़रूरी है कि टाइमिंग मैटर करती है या फोर प्ले मैटर करता है। ज़्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं होता कि हमें कौन सी चीज़ ज़्यादा देर तक परफॉर्म करनी है और कौन सी चीज़ अगर हम करेंगे तो हमारा पार्टनर इससे प्लेयर यानी कि अच्छा महसूस करेगा, मुतमइन होगा, सेटिस्फाई होगा। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि फोर प्ले ज़्यादा मैटर करता है, टाइमिंग ज़्यादा मैटर करती है और टाइमिंग को मतलब कितनी होनी चाहिए। अगर आप सिर्फ अपनी टाइमिंग पर ही फोकस करते हैं, सेक्स पर फोकस करते हैं, तो हो सकता है आप अपने पार्टनर को उस तरह सेटिस्फाई ना कर सकें। सबसे जो बड़ी मेन गेम होती है ना, वो होती ही पावर प्ले की है, जिसमें रोमांस, किसिंग, जपियाँ पपियाँ ये सारे ही शामिल हैं। अपने देखना है आप, क्योंकि काफ़ी जो यानी कि पुराने कह सकते हैं कपल्स हैं जिनकी शादी को 10-20 साल 15 साल हो चुके हैं, वो तो मतलब कहते हैं कि यार हमारा तो दिल भर गया है। तो उसके लिए सबसे मेन प्रैक्टिसेस हैं वो आपने करनी है, आपने अच्छी खुराकें खानी है, आपने एक्सरसाइज अपनी मामूल में ऐड करनी है और उसके अलावा आपने बदनज़री से बचना है, यानी कि औरों को नहीं देखना। और इसके अलावा आपने जो ड्रामा टीवी में जो आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होती है, ये वो, ये सारा टोपी ड्रामा होता है, कोई मतलब सीरियस में तो वो ड्रामों में जो दिखाया होता है वो तो बिल्कुल ही नकल होती है, तभी तो इसको ड्रामा कहते हैं, अगर ये सच हो तो इसको हकीकत कहते हैं। तो यहाँ पर आपने अपने पार्टनर के साथ एक अच्छा रिलेशन बिल्ड करना है और एक नॉर्मल टाइमिंग जो मैं आपको बताने लगा हूँ, यार 2-3 मिनट ही काफ़ी है, 2-3 मिनट। अगर आप अच्छा फोर प्ले करते हैं, फोर प्ले मीन किसिंग, रोमांस, ये सारी चीज़ें, और अगर आप चाहते हैं कि आप मज़ीद यानी कि अपने पार्टनर को सेटिस्फैक्शन का आप सबब बन सकें, तो आपको पावर प्ले के साथ अपनी टाइमिंग भी आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। उसकी भी कुछ टिप्स हैं, कुछ ग़ज़ाएँ हैं, इंशाल्लाह अगली मेरी वीडियो उसी पर होगी। तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि 2-3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट काफ़ी हैं अगर फोर प्ले अच्छा हो आपका। अगर फोर प्ले ही अच्छा ना हो तो फिर ये टाइमिंग कुछ नहीं है। मेरे पास हाल ही में केस आया, मतलब जो मैं ख़ुद यकीन नहीं कर सकता, उस बंदे की जी मैं नाम नहीं ले सकता, टाइमिंग थी लगभग कोई 15 से 16 मिनट और वो कह रहा है कि जी अब ना मेरी टाइमिंग कम हो गई है, ये वो। तो मैंने पूछा यार आप फोर प्ले करते नहीं करते, तो उसने बताया कि जी डॉक्टर साहब मैं फोर प्ले तो करता हूँ। तो मैंने कहा यार आप एक बात बताओ मुझे, आपकी वाइफ के इस हवाले से क्या रिस्पॉन्स है? तो कहती, उसने बताया कि यार वो कहते हैं कि बस अब बस करते हैं, बहुत हो गया है। तो मैंने कहा भाई इससे ज़्यादा आप जुल्म करना चाहते हो, अब चाहते क्या हो, यानी कि आप उसके साथ तो आप उसको इंजॉयमेंट नहीं देना चाहते हो, आपसे जुल्म करना चाहते हो। तो आपने देखना है कि यार आपकी जो ज़रूरियात है आपके पार्टनर के साथ मैच कर रही है या नहीं कर रही। अगर आपकी जो सेटिस्फेक्शन है वो अगर यार 6-7 मिनट में हो रही है, तो फिर आप खुद से ही ज़्यादा टाइमिंग की यानी कि तवक्का करके अपने पार्टनर पर जुल्म कर रहे हैं। तो आपने अपने यानी कि पार्टनर के साथ इतना अच्छा रिलेशन बिल्ड करना है फोर प्ले और मेन प्ले से पहले कि आप दोनों के दरमियान एक दूसरे के लिए सेटिस्फेक्शन के साइंस नज़र आए, क्योंकि ज़्यादातर हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को बताते ही नहीं है कि मैं आपसे सेटिस्फाई हूँ या नहीं, ताकि आपका कनेक्शन इतना अच्छा हो कि पार्टनर खुद आपको कहे आज हमने इंजॉय किया। तो ये चीज़ें हैं। तो इसके लिए कुछ खुराकें हैं जो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बता भी दूंगा, फिर भी मैं यहाँ पर बता देता हूँ, आपने अच्छी खुराकें लेनी है, एक्सरसाइज ऐड करनी है और कुछ एक्सरसाइजेज यानी कि जैसे वेट लिफ्टिंग हो गई जिसमें आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल ठीक ठाक बूस्ट हो, तो वो आपने एक्सरसाइजेज करनी है, कीगल एक्सरसाइजेज करनी है, इससे आपके जो ब्लड की सर्कुलेशन होती है वो इम्प्रूव होती है और आपकी ताकत दिन ब दिन बढ़ती रहती है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर इस तरह का कोई सवालात वगैरह आपके दिल में होते हैं, दिमाग में होते हैं, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको उसका जवाब भी दूँ।
और इंशाल्लाह डिटेल भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।